सुनो सुनो सुनो, झांसी के किसानों के लिए खुशखबरी सुनो। झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव ने सभी किसानों का लगान माफ कर दिया है। सुनो सुनो सुनो, एक ऐलान भी सुनो, महाराज गंगाधर राव का फरमान भी सुनो। कल ध्वज खेल में महाराज गंगाधर राव और नकाबपोश के बीच मुकाबला होगा। Hey, bloody Indian! ओइशी, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? वो तो बहुत बहादुर लड़की है साहब, महाराज का खजाना भी वापस लेकर आई है। खजाना? हाँ साहब, उसने तो महाराज को चुनौती दी है कि वो अगर अपने ध्वज खेल में नहीं जीते तो वो अपना नकाब नहीं उठाएगी। अच्छा, जिसने तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की और किंग के भी, वो एक लड़की है। कहाँ है वो लड़की? हे देवा, हमें शक्ति दो। हमने ध्वज खेल की चुनौती केवल इसलिए दी थी कि हम अपने इस पहचान को बचा सके। हे देवा, कैसी दुविधा में डाल दिया है। हम महाराज को उनके प्रजा के सामने हराने की कल्पना भी नहीं कर सकते, और यदि हम हार जाते तो फिर क्रांति गुरु बेनकाब हो जाएगा। और शायद फिर कभी झांसी की प्रजा की मदद भी ना कर पाए। उनके मान सम्मान की रक्षा भी करनी है और पत्नी धर्म भी निभाना है। हे देवा, क्या करें? झांसी के ध्वज खेल में सारी प्रजा के सामने यदि आप हमें हरा देते, हम वहीं अपना नकाब हटा देंगे। ये देवो, ऐसी विकट परिस्थिति से कैसे निपटेगी मनु? ये देवो, क्या होगा कल? प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है मोरपन जी, आप चिंतित लग रहे हैं। जी जी नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे लीजिए, महाराज आ गए। प्रणाम। कहिए बाबा, आपने कैसे याद किया? वो यह है कि महारानी दुर्गा मंदिर जाने की आपसे आज्ञा। दुर्गा मंदिर? जी, वास्तव में जब से आपके आदेश के बिना उन्होंने फोर्ट विलियम्स पत्र भेजा, तब से वो बहुत चिंतित हैं। बाबा, हम आपका सम्मान करते, परंतु महारानी ने यह सब बचपने में किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसी गलती वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, आपके होते हुए उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। संभवतः इसीलिए वो दुर्गा मंदिर जाकर आपकी विजय के लिए प्रार्थना करना चाहती है। मोरपन जी, महारानी को महाराज की विजय के लिए दुर्गा मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वे यहीं बैठकर पूजा कर सकती है। और वैसे भी कल ध्वज क्रीड़ा है, झांसी की महारानी की उपस्थिति
अनिवार्य है। नहीं प्रभु, वास्तव में बात यह है कि महारानी अपने आराध्य देव बिठूर से लेकर आई थी। वो दुर्गा बाड़े में स्थापित है, वो उन्हीं के सामने बैठकर प्रार्थना करना चाहती। ठीक है बाबा, आप उन्हें ले जा सकते, परंतु कल ध्वज क्रीड़ा में उनकी उपस्थिति प्रजा के लिए उत्साहदायक। देवा, एक ही समय दोनों स्थानों पर कैसे संभव है ये? भगवान, मेरी मनु की रक्षा करना। बाबा जी, महाराज ने क्या कहा? महाराज ने महारानी को दुर्गाबाई वाड़े जाने की अनुमति दे दी है। धन्य हो भगवान। यहाँ सुनो, महारानी इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में है। क्यों, क्या हुआ बाबा जी? महाराज ने आदेश दे दिया है कि ध्वज खेल के समय महारानी का प्रजा के सामने उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, अब तुम दोनों इस तरह व्यवहार करना जैसे महारानी दुर्गाबाई वाड़ी के लिए निकल गई हो। जी, आगे देखेंगे क्या करना है। Hey, Chakra Batao, T.N. Marshall, His Majesty King of Jhansi से मिलना चाहती है। अभी आप रुक जाइए, महारानी की सवारी आ रही है। सावधान, महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गाबाई बाड़ा के लिए पधार रही है। काशी, ऐसे चलो जैसे कुछ नहीं हुआ। किसी ने देख लिया तो? किसी को क्या पता कि कोई अंदर नहीं है। My God, Sampti, where's the queen? Why announce queen is leaving the palace? जब पालकी में कोई है ही नहीं। अब आप अंदर जा सकते हैं। I want each and every detail about the nakapush. Sir, darbar se pata chala hai that she's a girl. Uske chehre pe veil tha aur uski aankhon mein there is lot of anger. Sir, she is very brave. Wo talwar lightning speed se chalati hai. Sir, ek ward se usne hum paancho ko injured kar diya aur hum use pakad bhi nahi paaye. What a girl. हमने तुमसे उसकी तारीफ नहीं, वो कैसी है, कौन है, ये जानना चाहते थे। क्या नाम है उसका?
सर क्रांति गुरु। क्या? What did you just say? क्रांति गुरु। क्रांति गुरु? No, Mr. Marshall, she's very dangerous for the East India companies. She has another mysterious identity, at Paul. Kranti Guru. I have to pay respect to the King of Jhansi. Maharaj, Commissioner se, Marshall sahab, aapki seva mein upasthit hone ke liye anumati chahte hain. Your Majesty, Calcutta se Fort Williams ka administrative officer T.N. Marshall is present at your service. Padariya, Mr. Marshall, aapne yahan aane ke kasht kaise kiye? Hum aapke liye ek gift laye hain. Your Majesty, Fraser ne aapse chut bola. They are all your culprits, as they had disguised themselves as your soldiers. You have full right to punish them. धन्यवाद मिस्टर मार्शल, हम आपके आभारी हैं. Your Majesty, if you don't mind, I would like to put them in your jail by myself. हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं. थैंक यू सो मच माय मैजेस्टी. महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गाबाई बाड़ा के लिए पधार रही है. योर मैजेस्टी, आई वुड लाइक टू सी हर एक्सलेंसी क्वीन ऑफ झांसी बिकॉज आई वांट टू पे ऑनर टू हर. महारानी से मिलना अभी संभव नहीं है मिस्टर मार्शल, परंतु आपने हमारे अपराधियों को हमें सौंप कर हमें प्रसन्न कर दिया. कल के ध्वज खेल में आप भी आमंत्रित हैं मिस्टर मार्शल. थैंक यू सो मच योर मैजेस्टी, इट वुड बी ग्लैड. आपका भोजन. हमें भूख नहीं, ले जाओ. रात को भूखे पेट नहीं सोते भाई. समर भाव आप. हम आपको यहाँ से ले जाने हैं. समर भाव, हम यहाँ से नहीं जा सकते. देखिए, आपका यहाँ से चले जाना ही उचित है. जरा सोचो बहन, दोनों ओर से आप भयंकर समस्या में घिर चुकी. महाराज से ध्वज खेल में जाकर भी आप प्रजा के सामने उनको हराना नहीं चाहेंगे, और यदि वो जीत गए तो सबके सामने ये बात उजागर हो जाएगी कि आप ही क्रांति गुरु हैं.
तो आपने सोचा क्या? हम राजस्थान में भाएंगे। और महाराज तो आपके पति भी। समर भाव, झांसी नरेश की इच्छा भी अवश्य यही होगी कि राजधर्म की विजय हो, और एक प्रकार से हम राजधर्म निभाकर पत्नी धर्म भी निभा सकेंगे। और फिर महाराज को हमने ध्वज खेल का वचन भी तो दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, यही रुकेंगे। बहन, अब मेरे यहां रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। She whipped the British in front of the bloody Indians. She burned our revenue records. She freed our prisoners. And that's not all. She even dared to burn our prestigious flag. Sir, she is very brave. She wields sword with lightning speed. डर गए। तुम डरने वाली लड़की नहीं हो। यू आर अ ब्रेव गर्ल। आई अप्रिशिएट यू। एंटायर झांसी तुम्हारी तारीफ करता है। यू चेंज द फेट ऑफ झांसी। I admire your guts and courage. To come king of Jhansi nahi kar paya. Wo tumne kar diya. Jhansi people need a hero like you. Not like king Gangadhar Rao. Tum log kaise jante ho ki dharti maa ki janta kise chahti hai? Eyewitnesses, Jhansi people. तुम्हें लाइक करता है। हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को चाहता है। तुम फिरंगियों को भी चाहता। यदि तुम अतिथि बने रहते, परंतु अब बहुत हो गया। तुम्हारे अत्याचार ने तुम्हारे विरुद्ध नफरत पैदा कर दी। अब अच्छा यही होगा कि तुम हमारी धरती माँ को छोड़कर चले जाओ, और यहाँ से भी। What a force. What a heroism. I appreciate that. I really like it. Ek kaam karta hai. You know, the whole Jhansi people like it. The bloody king, pretty ladies, dance and plays me in Walworth. Rule kya kar paaye? Jhansi wants you. Because you're 100 times better than the bloody King Gangadhar Rao. Bas! एक शब्द और महाराज के विरुद्ध बोला तो काट कर रख दूंगी, तो काट कर रख दूंगी।